इंडियन रेलवे को नए नए इन्वेंशन करने की आदत सी हो गई है। इंडियन रेलवे कुछ न कुछ नया करती ही है, चाहे फिर वो बैक 12 इंजन बनाना हो, चाहे फ्रेट ट्रेन के लिए नया कॉरिडोर, या फिर इंजन को डीजल से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना हो। इन्हीं में से एक इंजन लेस ट्रेन यानी ट्रेन 18 भी है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल लेट्स फर्स्ट में। तो फिर शुरू करते हैं। आज तक इंडियन ट्रैक पर वही पुराने तरह के इंजन व कोच चलते हैं, अब इंडियन ट्रैक को मॉडिफाई किया जा रहा है, तो इंडियन ट्रेनों को भी तो मॉडिफाई करने की जरूरत थी। अब तक भारतीय लोग फॉरेन ट्रेनों को देखकर दांतों तले उंगली चबाते थे, परंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब भारत में भी फॉरेन देशों की तरह इंजनलेस ट्रेन चलेगी, यानी ट्रेन 18 चलेगी, जो भारत की एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन होने वाली है। वहीं यह भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन भी है, जिसने ट्रायल के टाइम पर 180 से 200 kmph की स्पीड को अटेन किया था। परंतु ऑन ट्रैक गतिमान एक्सप्रेस हमारी सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, जो 160 kmph की स्पीड पर चलती है। ट्रेन 18 को सेफ्टी को ध्यान रखते हुए हमारे ट्रैक की अच्छी हालत न होने के कारण इससे 130 kmph की स्पीड पर रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ट्रेन 18 को न्यू दिल्ली से वाराणसी और न्यू दिल्ली से कटरा के बीच में चलाया जाता है। प्रेजेंट में हमारी दो ट्रेन 18 ऑपरेशनल है और इंडियन रेलवे ने 44 और नए ट्रेन सेट का ऑर्डर दे रखा है, जो जल्द ही इंडियन ट्रैक पर होगी और भारत की शान बढ़ाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल लेट फर्स्ट को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।